Hello everyone, namaskar. I hope you can see me and मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन. सो हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? सो व्हाट वी आई वांट टू आस्क राइट नाउ इज, पहले तो आप बता दीजिए कि आपको हमारी आवाज़ आ रही है या नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट. और आई होप यू कैन सी मी एंड आपको मेरी आवाज़ भी आ रही है. तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं अनअकैडमी नीट पीजी. और आज हम आपसे बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डियक मसल के बारे में. यहाँ पर फिजियोलॉजी आपको समझाएंगे हार्ट की, एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट है. और वेलकम एवरीबॉडी, सो गुड आफ्टरनून एंड लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द हार्ट. बट बिफोर वी प्रोसीड, पहले हम थोड़ा अपने बारे में आपको बता दें. सो आई बेसिकली आई एम डॉक्टर परमजीत. कई लोग मुझे पहले से जानते होंगे, यूट्यूब पे देखा होगा. सो आई हैव डन माई MBBS and then I did a diploma in cardiology and a fellowship in clinical cardiology, and currently I'm working as a consultant physician and a clinical cardiologist in Yashoda Super Speciality Hospital, Nehru Nagar, Delhi NCR. Okay, and I have been teaching for more than 4 years. I'm simplifying medical concepts, and this class will be in Hindi and English both. So and in every class we will cover all the topics in both English kind of, ठीक है. And basically what we are trying to do is we are trying to explain the concepts, the difficult concepts of physiology to you in simplified, तो simple भाषा में आपको best knowledge देने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी. Alright, so यही काम हम पिछले 4 साल से कर रहे हैं. I've been doing that on my YouTube channel. So simplifying medical concepts is my forte, and that's what I'm going to do. So let's go forwards. So मुझसे जुड़ने के लिए you can join Unacademy. So कुछ classes यहाँ होंगी, कुछ classes Unacademy के website पे, उनके app में होगी. तो Unacademy में आप अगर subscription ले लेते हो, so you can join all the classes और see all उसके क्या बेनिफिट मिलेंगे आपको. सो Unacademy हमारे पास 2 कोर्सेज हैं, एक तो आइकॉनिक और एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन. उस सब्सक्रिप्शन में ऐसा है, प्लस वाले सब्सक्रिप्शन में सो यू कैन एक्चुअली एक्सेस बोथ द लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस. ऑब्वियसली सी दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, जिनको हिंदी नहीं आती है, सो दे कैन ईजिली रीड हियर. सो दैट्स वाई माई कॉन्सेप्ट विल बी, जो लिखा नहीं है वो हिंदी में हम समझा दें, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड. मेनी पीपल हैव डिफिकल्टीज इन इंग्लिश. सो लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस का एक्सेस आपको मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन में, एंड यू कैन चूज टॉप एजुकेटर्स फ्रॉम इंडिया. इंडिया के मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, अपने प्रिपरेशन के लिए आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को चूज कर सकते हैं कि मेरे को इसका समझ में आ रहा है, मैं इससे बात करूंगा, इससे. दैट इज योर चॉइस, राइट? सो दे यू हैव, पॉइंट इज यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस हियर. उसके बाद देयर इज ऑप्शन ऑफ लाइव क्विजेज, लाइव टेस्ट, जो आपको हेल्प करेंगे टू प्रिपेयर बेटर फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. और ये बहुत हेल्प करते हैं भी, आपको पता ही है. दीज आर द बेसिक्स ऑफ दीज काइंड ऑफ एग्जामिनेशन. यू डू दी क्विजेज, MCQs, एंड then you have the option to study from your laptop, from your mobile, anywhere. And you have 25,000 plus question banks available on Unacademy. And obviously बहुत ही जल्द आप लोगों को you can also get printed notes, जिनको आदत है printed notes से पढ़ने की. So all the options are there. And in iconic subscription आपको ये पूरा मिलेगा जो आपको Unacademy plus subscription में मिला. Plus आपको in addition to that you get a Prep Ladder subscription. तो Prep Ladder plus Unacademy दोनों का सब्सक्रिप्शन आपको मिल सकता है आप अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं. सो दीज आर द 2 types of subscriptions you can take for NEET PG plus and iconic. and if you basically इसको लेते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, 18 months, 18 months, 24 और 36 months के ऑप्शन आप ले सकते हैं. और उसके आपके रेट्स हैं, इस पर परमजीत आप कोर्स में अपना कोड डालेंगे, so you will get a 10% discount on that. So that is also an option for you. All right. So that's all about this. So let's understand properties of cardiac muscle. So cardiac muscle कि सी वी आर नॉट गोइंग टू रट्टूफाई हेयर, सो हम आपको रटाने नहीं आए हैं यहाँ पे. सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट उसको, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. हमारा यही काम है, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट व्हाट इज नॉट. सो हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे, ओनली द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, और रटने वाले नहीं हैं, चीज़ों को समझने वाले हैं, समझाने वाले हैं. ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट वी गोइंग टू डू. सो फर्स्ट लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड जो मेन प्रॉपर्टीज हैं कार्डियक मसल की. द फर्स्ट वन इज एक्साइटेबिलिटी, राइट. व्हाट फर्स्ट एक्साइटेबिलिटी का बेसिक मतलब है कि वेन एवर कार्डियक मसल is stimulated, it receives a stimulus, it can get excitable, it can get excited. So excitability means it can be, first तो ये automatically excite भी होती हैं, you know that it is autorhythmicity है, खुद से धड़कता रहता है, हार्ट कभी रुकता तो है नहीं, है ना. लेकिन it can be excited and there are some stimulus जो जिसके बारे में हम बात करेंगे, why that is important, how that is important. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चार मेन प्रॉपर्टीज हैं, रिदमिसिटी, कंडक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी. शॉर्ट में बात करें तो इसका शॉर्ट में भी बता सकते हैं और एक एक प्रॉपर्टी पे एक एक घंटा भी बात हो सकती है, राइट. सो दैट इज हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट. सो एक्साइटेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग एबल टू गेट एक्साइटेड, राइट. वी विल अंडरस्टैंड इन डेप्थ. रिदमिसिटी इज कि हार्ट धड़कता रहता है, रिदम में उसकी अपनी रिदम है, रिदम में धड़कता रहता है. कंडक्टिविटी मीन्स एक एक्साइटेबल स्टिमुलस एक पर्टिकुलर पार्ट से दूसरे पार्ट में चला जाता है, कंडक्शन हो पाता है. सो ऑल द पार्ट्स, एक अगर एक हिस्सा अगर एक्साइट होता है, सो इट हैज द एबिलिटी टू एक्साइट ऑल द पार्ट ऑफ द हार्ट. सो कंडक्टिविटी एंड देयर इज कॉन्ट्रैक्टिलिटी. ऑब्वियसली सम टाइप्स ऑफ टिश्यूज, कुछ टाइप के टिश्यूज एक्साइट होंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बॉडी में देर आर ग्लैंड्स, वो ग्लैंड्स जो हैं वो एक्साइट होते हैं, वहाँ पे कुछ स्टिमुलस जाता है, सो दे आर नॉट गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, दे आर गोइंग टू सिक्रीट, राइट. सो इन द कार्डियक मसल, लाइक अदर स्केलेटल मसल्स, इट कैन कॉन्ट्रैक्ट. सो इट हैज कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड कंडक्टिविटी, मीनिंग इट विल नॉट ओनली कॉन्ट्रैक्ट, इट विल मेक द एंटायर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट विथ इटसेल्फ एंड इट विल जनरेट अ रिदम, right. It has rhythmicity and because of some special tissues, right. वो SA node, अपना node जो होते हैं pacemakers, उन we'll talk about the those in details, right. And there is excitability, so we'll be understanding everything in details. तो उसको समझते हैं कैसे. So excitability, like I said, is basically the ability of living tissue to give response to a stimulus, right. So yes, एक कोई response आ रहा है, right. So every most of the tissues are excitable, most of the tissues are, but they might not have the same mechanical activity, right. So अपने पास में skeletal muscle है, वो excitable है, और cardiac muscle है, वो excitable है, glands हैं excitable है. So stimulus मिलता है, whenever they get a stimulus there is something called as an action potential which gets generated which results in a mechanical activity. So heart को stimulus मिलता है and it generates action potential and because of that it contracts. कोई बड़ा साइंस नहीं है, सिंपल है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन, राइट. सो इसमें क्या समझना जरूरी है, व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट. मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब ये है, अल्टीमेटली दिस होल स्टिमुलस काइंड ऑफ अ थिंग एंड एक्शन पोटेंशियल काइंड ऑफ अ थिंग, कॉन्ट्रैक्शन काइंड ऑफ अ थिंग हैपेंस because of the electrical charge inside the particular muscle. एक मसल के अंदर, एक मसल फाइबर के अंदर क्या चार्ज है वो उस पर डिपेंड करेगा, और उसके अंदर क्या आयन जा रहा है, सोडियम जा रहा है, पोटेशियम आ रहा है, कैल्शियम जा रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कितने देर तक करेगा, करता रहेगा. और आगे चल के जब हम when you understand this in depth, so then you will understand कि अगर कोई मसल आगे चल के मान लीजिए रिदम प्रॉब्लम आ रही है किसी को, कोई डिजीज आ रही है, तो दैट कैन बी एन इशू हियर इन द इलेक्ट्रोलाइट्स. व्हाई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉजेज रिदम प्रॉब्लम इन द हार्ट. प्रैक्टिकल भी हम देख सकते हैं लिटरली. तो रिदम प्रॉब्लम क्यों आती है, बिकॉज बेस लाइन कार्डियक एक्टिविटी, द कॉन्ट्रैक्टिलिटी, the electrical action potential is generated because of electrolytes. कौन से electrolytes का main role है यहाँ पे, वो भी हम बात करेंगे अभी. But the first thing which you need to understand is that there is a resting membrane potential inside a single cardiac muscle, which is 85 to 95 minus millivolts. So 85 to 95 millivolts का resting membrane potential है एक cardiac muscle का. That means उसके अंदर का चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. एंड SA नोड जो आपके बॉडी के अंदर, आपके हार्ट के अंदर है, द मेन पेस मेकर, उसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कम है. सो व्हाई दीज नंबर्स आर इंपॉर्टेंट, दीज नंबर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इवन दी एमसीक्यू पर्पस. नीट पीजी में इसके सवाल आएंगे, इस पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्या है बताओ. तो यू नीड टू रिमेंबर दिस, देयर इज नो अदर वे टू रिमेंबर दिस. आपको रटना ही पड़ेगा इसको. कुछ चीजें तो रटनी पड़ती है और कोई ऑप्शन नहीं. सो -95 to 85 is the resting membrane potential of single cardiac muscle, and sinoatrial node का 55 to 60 and Purkinje fibers का 90 to 100 negative resting membrane potential आपको मिल जाएगा. ना अब आगे जो मेन क्वेश्चन आता है वो आता है कि एक्शन पोटेंशियल क्या है और एक्शन पोटेंशियल का कॉन्ट्रैक्शन से क्या लेना देना. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू योर कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड हाउ दैट हैपेंस. दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट हियर. ठीक है. सो एक्शन पोटेंशियल बेसिकली मीन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लीजिए, एज कंपेयर टू अदर मसल्स, कार्डियक मसल्स का एक्शन पोटेंशियल जो है वो बहुत ही फास्ट होता है. सो इट इज वेरी क्विक एंड it's different from other muscles, smooth muscles, because the duration of action potential is just 250 to 350 milliseconds, right? मतलब बहुत ही कम 250 to 350 milliseconds के अंदर एक action potential generate होता है, contraction का stimulus generate होता है heart के अंदर. So action potential is the basic stimulus. So 250 to 350 milliseconds, इसको भी आपको याद रखना है. This is also something which comes in the exam. और when we talk about action potential, there are four phases. Phases in the sense, आपने ये वाला ग्राफ देखा ही होगा, दुनिया भर में ये ग्राफ आराम से दिख जाएगा आपको, आपकी बुक्स में आता है, right? So this particular phases of action potential are important. Phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. ये initial depolarization का phase है. ये आपका आ गया, there is initial repolarization. अब ये डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन कई लोगों के दिमाग के ऊपर से जाता है. सो मेनी पीपल डोंट रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर. सो दैट्स व्हाट वी विल क्लियर आउट हियर, एंड इस पे थोड़ा समय लेंगे बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट? अंडरस्टैंडिंग एक्शन पोटेंशियल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर पर्पसेस आल्सो, ठीक है? सो इसमें देयर इज अ थर्ड फेज का प्लेटू है, फोर्थ फेज का आपका रीपोलराइजेशन है. सो व्हाट इज दिस, सी वी नो, हमने अभी देखा कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो इज समवेयर इन द हार्ट, हार्डिक मसल इज समवेयर अराउंड -80s, 90s, 50s, दीज काइंड ऑफ थिंग्स. अलग अलग पार्ट का अलग अलग है, हमने ये देख लिया. सो दैट मीन्स यहाँ पर अगर चार्ट पे हम मिली वोल्ट में नेगेटिव पोटेंशियल देखते हैं तो ये 90-95 का ईच एंड एवरी कार्डिक मसल का एक्शन पोटेंशियल यहाँ आ रहा है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहाँ आ रहा है. और SA नोड का कहीं यहाँ पे आएगा 60s में, और Purkinje फाइबर्स का और नीचे आएगा 100s में. So, मतलब यहां से शुरू होती है इलेक्ट्रिकल चार्ज इनसाइड द कार्डियक मसल. सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल चार्ज विच इज इनसाइड द कार्डियक मसल, एंड व्हाट हैपेंस हियर इज द इनफ्लक्स और इफ्लक्स ऑफ आयंस. तो यहां पे खेल होता है सारा का सारा आयंस का, ठीक है? सो आयंस का खेल कैसे होता है और वो इस पे क्या इफेक्ट डालता है उसको समझेंगे, और उसको समझोगे तभी ये चीज आएगी कि ये जल्दी क्यों हो रहा है, ये इतना क्यों हो रहा है, ये शेप ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसा क्यों हो रहा है. तो सबसे पहले जो होता है, स्टिमुलस जब मिलता है, देयर इज एन ओपनिंग ऑफ, रैपिड ओपनिंग ऑफ द सोडियम आयंस. सबसे पहले जो ओपन होते हैं वो सोडियम ओपन होता है यहां पर. तो सोडियम आयंस जो है रैपिडली ओपन होते हैं, फास्ट सोडियम चैनल्स. सो दीज आर द फास्ट सोडियम चैनल्स जो ओपन होते हैं. दैट मीन्स इन द कार्डियक मसल, मसल के अंदर सोडियम जाने लगता है. तो यहां से अंदर जाने लगेगा आपका सोडियम. सोडियम गोज इनसाइड द मसल एंड रैपिडली इनफ्लक्स होता है. बिकॉज ऑफ दिस रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, सबसे पहले ये रैपिड टप से एकदम से पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज सोडियम इज पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव था, फट 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 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. दिस इज द मेन रैपिड, मतलब ये रैपिड है, मतलब एक दो नहीं, गप्पा गप सोडियम अंदर जा रहा है. तो रैपिडली इन्फ्लक्स होता है, कॉजिंग द चार्ज इनसाइड द मसल टू बिकम पॉजिटिव. दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो आपको समझना है, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस. एंड दिस इज वेरी सिमिलर टू स्केलेटल मसल, आपकी स्केलेटल मसल में भी यही होता है जो इसमें हो रहा है. द सेकेंड थिंग विच हैपन्स इज, इसके बाद में ये मतलब ये वाई वी से रीपोलराइजेशन, सॉरी वाई वी से डीपोलराइजेशन. डीपोलराइजेशन मीन जो उसकी नेगेटिव पोलैरिटी है वो वापस शून्य के पास आ रही है, वो न्यूट्रल के पास आ रही है, राइट. सो इट बिकम्स अ डीपोलराइज्ड. एक होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से जीरो चार्ज, जीरो चार्ज से फिर पॉजिटिव चला गया. सो इट बिकम्स अ डीपोलराइजेशन. दिस इज अ रैपिड डीई डीपोलराइजेशन. ठीक है, सो डीपोलराइजेशन हो गया फेज वन, जिसको हम ऐसे देख सकते हैं. ये पूरा पढ़ने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन हम इसको समझाएंगे, राइट. सो रैपिड डीपोलराइजेशन वेरी रैपिडली होता है. ये बहुत फेज जो होता है 2 मिलीसेकेंड्स का होता है, बहुत ही छू, और यहाँ पहुंच जाता है एम्पलीट्यूड 20 मिलीवोल्ट तक. तो 20 मिलीवोल्ट तक एम्पलीट्यूड पहुंच जाता है. दिस इज व्हाट द पॉजिटिव चार्ज कम्स इनसाइड द मसल, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम चैनल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं रैपिडली. द सेकेंड थिंग विच हैपन इज दिस, मीन्स ऊपर जाके वापस आ रहा है, पर वापस ऐसे नहीं आ रहा हो, वापस आ रहा है धीरे से. तो थोड़ा सा आया, दैट इज द इनिशियल रीपोलराइजेशन, मीनिंग द हार्ट इन नेगेटिव चार्ज वो रिटर्न हो रहा है. हार्ट का नेगेटिव चार्ज रिटर्न होने के लिए अब क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज अंदर गया. सो हो क्या जाता है, इसके लिए एक पॉजिटिव चार्ज बाहर जाता है. द पॉजिटिव चार्ज विच गोज आउट इज द पोटेशियम. सो पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं और उसका इफ्लक्स होता है. नाउ प्रॉब्लम ये रही, इसकी क्वांटिटी बहुत स्मॉल होती है. जहां पर ये बहुत ज्यादा अंदर गया है, वहां ये जरा सा अंदर बाहर आया. सो ओनली अ लिटिल अमाउंट ऑफ पोटेशियम चैनल्स गो आउट, पोटेशियम आयंस गो आउट. दैट्स व्हाई दैट इज अ वेरी स्मॉल पीक, छोटा सा आपका रीपोलराइजेशन का कर्व आता है, स्मॉल कर्व ऑफ रीपोलराइजेशन. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, इसके साथ में देर इज अ, ये वाले क्या होते हैं, फास्ट सोडियम चैनल जो होते हैं ये बंद हो जाते हैं. सो ऑल दीज आर क्लोज्ड. फास्ट सोडियम चैनल बंद, मतलब सोडियम की एंट्री बंद, इसलिए और ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है. और उसके बाद देर इज समथिंग कॉल्ड है स्लो वाला जो चैनल्स हैं वो शुरू हो जाते हैं, स्लो सोडियम चैनल. अब स्लो सोडियम चैनल जो होते हैं ना, वो ऐसे मान लेंगे हम, ऐसे बड़ी धीरे धीरे अंदर आ रहे हैं. सो ओनली अ सिंगल स्लो वाला, और ये वाला जो है पोटेशियम वाला है वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है, थोड़े से आयन बाहर जाते हैं, फिर ये भी बंद हो जाता है. इसलिए यहाँ पर एक नॉच आता है, फर्स्ट सेकंड फेज बंद हो जाता है. अब ये स्लो सोडियम चैनल चलते जा रहे हैं, ये स्लो सोडियम चैनल्स आते जा रहे हैं, स्लोली सॉरी सोडियम चैनल जो है बाहर के तरफ जा रहे हैं, राइट. सो ये वाले जो है स्लो सोडियम चैनल्स ओपन होता है, रिजल्टिंग इन स्लो इनफ्लक्स ऑफ लो क्वालिटी ऑफ सोडियम. अब इसमें अंदर ही जाते हैं, सॉरी बाहर बोल दिया, तो अंदर ही जाते हैं लेकिन स्लोली जाते हैं, और क्वालिटी ऑफ सोडियम हियर इज लेस. सो अल्टीमेटली क्या होता है, यहां पर क्या हो रहा है, सोडियम पोटेशियम बाहर जा रहा था, अब सोडियम अंदर जा रहा है. तो यहां पर ये नेगेटिव चार्ज जो है मेंटेन, पॉजिटिव चार्ज मेंटेन हो रहा है बिकॉज सोडियम है अंदर, ठीक है, और ये मेंटेन होना शुरू हो जाता है. अब आता है ये प्लेटू फेज. अब ये प्लेटू फेज क्यों आता है, प्लेटू फेज आता है बिकॉज ऑफ ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल्स. कैल्शियम चैनल्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं, CA कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं, जो बहुत सारा कैल्शियम अंदर जाता है. वाई कैल्शियम इज नीडेड, क्योंकि अगर आप मसल के इसको देखोगे, इफ यूल अंडरस्टैंड, मसल के अंदर आपके एक्टिन मायोसिन के जो फाइबर्स होते हैं उनके ऊपर जब तक कैल्शियम अटैच नहीं होगा वो कंट्रैक्ट नहीं करेंगे. सो कैल्शियम अटैचेस टू दी इज इंपॉर्टेंट, इज क्रूशियल. कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन. तो कैल्शियम बहुत जरूरी है, और यहां पर इस फेज में जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो है कैल्शियम. ये पहला फेज में सोडियम, सेकेंड फेज में पोटेशियम, बीच में आ गया स्लो सोडियम, और यहां आ गया कैल्शियम. तो थर्ड फेज का जो मेन प्लेयर है वो है आपका कैल्शियम. सो द फर्स्ट देयर इज यहां से देयर इज स्लो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम एंड influx of calcium going on, and this calcium basically is used by your muscle to perform the contraction. So यहाँ पर contraction शुरू हो जाता है calcium influx की वजह से and it stays for some time because of this. उधर का muscle के अंदर जो charge है वो कुछ देर तक maintain रहता है until and unless the proper contraction हो जाए. उसके बाद there is a final repolarization. उल्टा तो final repolarization is because of the efflux of potassium ions. तो अब यहां पर ये बंद हो गया रैपिड वाला, अब होगा पोटेशियम आयंस जो हैं वो बाहर जा रहे हैं फाइनली. सो पोटेशियम का खेल है यहां पर. सो अब यहां पे पोटेशियम आयंस बाहर जा रहे हैं, efflux of potassium ions. अब moving number of potassium ions moving out of the muscle fibers now are very high and exceed the number of calcium ions moving in. So potassium ions ज्यादा जा रहे हैं calcium से. So that's why because positive छोड़ रहा है नील तो negative charge वापस आने लगता है. Okay, so technically all of this में हमने ये देखा कि potassium जो है ये घर छोड़ के जाता है, कैल्शियम जो है ये वापस ये घर में आता है और सोडियम जो है वो घर में आता है, पोटेशियम घर छोड़ के जाता है, यहाँ थोड़ी देर के लिए जाता है फिर उसके बाद फिर बहुत देर के लिए फटफट चला जाता है. तो इसी के बेसिस पे ये सारा एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है एंड एट द एंड ऑफ दिस एंड में क्या होता है हमें ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो वापस आ जाता है. नाउ टू अचीव दिस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक बहुत मस्त चीज होती है, देयर इज ऑल द सोडियम आयंस जो अंदर गए थे, ऑल द सोडियम आयंस विच हैड एंटर्ड इनसाइड, जो सोडियम अंदर थे वो बाहर चले जाते हैं. तो ऑल द सोडियम आयंस यहाँ पे बाहर चले जाते हैं टू बेसिकली कॉज जो पोटेशियम भी बाहर जाएगा और सोडियम भी बाहर चला गया तो अल्टीमेटली सारा नेगेटिव चार्ज आ जाता है. सो द खेल सारा आयंस का है और जो एक्सेस कैल्शियम है जो यूज हो गया, जो कंट्रैक्शन में यूज हो गया जो एक्सेस कैल्शियम है वो भी बाहर चला जाता है. तो कहां जाएगा बाहर, ये एंड में एट द एंड ऑफ द एक्शन पोटेंशियल सोडियम एंड कैल्शियम बाहर चले जाते हैं. सो दिस इज हाउ इट होज द एक्शन पोटेंशियल. तो इसका जो ड्यूरेशन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. सो वो समझेंगे. ड्यूरेशन में 2 मिलीसेकेंड्स का, यहाँ पर मिलीसेकेंड की बात हो रही, 2 मिलीसेकेंड्स का फर्स्ट फेज है इनिशियल डीपोलराइजेशन. उसके बाद में ये फर्स्ट फेज 2 जो है वो भी 2 मिलीसेकेंड का है और जो थर्ड फेज प्लेटू फेज है ये अराउंड 200 to 300 मिलीसेकेंड का है और जो लास्ट का जो फेज आता है फाइनल डीपोलराइजेशन ये 50 to 80 मिलीसेकेंड आते हैं इसमें. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसी प्लेटू फेज जो होता है ये आपके स्केलेटल मसल में नहीं होता और इसी के वजह से प्लेटू फेज के वजह से आपकी कार्डियक मसल जो है वो उनका जो कॉन्ट्रैक्शन है द कॉन्ट्रैक्शन टाइम इन ऑल्सो लॉन्गर 5 to 15 टाइम्स लॉन्गर एज कंपेयर टू स्केलेटल मसल बिकॉज ऑफ द प्लेटू फेज. सो प्लेटू फेज इसमें नहीं होता. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट. देखो यही चीजें हमारे पास रिटिन में भी आती हैं. इनिशियल फिर से रिवाइज कर लेते हैं. इनिशियल डीपोलराइजेशन जो था फास्ट सोडियम चैनल्स खुले, रैपिड रिफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस और उसके वजह से सीधा हमारा ऊपर चला गया, थोड़ा और स्ट्रेट जाएगा. उसके बाद में इन्हीं ट्रांजिएंट ओपनिंग ऑफ पोटेशियम आयंस बिकॉज ऑफ विच एफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, उसके वजह से फेज 2 आया और नॉच आ गया. देन देयर इज स्लो ओपनिंग ऑफ कैल्शियम आयंस और कैल्शियम ओपन होके प्लस सोडियम ऑल्सो इज स्लो ओपन, उसके वजह से देर इज अ प्लाटू और देन आफ्टरवर्ड्स देर इज एन इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस मोर देन कैल्शियम इनफ्लक्स बिकॉज ऑफ विच देर इज दिस काइंड ऑफ अ पिक्चर. और फिर सारे लास्ट में रिस्टोरेशन के लिए सारे के सारे व्हाट हैपन्स यहाँ पर रिस्टोरेशन में ये 2 पंप इंपॉर्टेंट है नाम, सोडियम पोटेशियम पंप एंड सोडियम कैल्शियम पंप राइट. क्या हो रहा है आफ्टर एंड जो एंड में पहुंचने के बाद में all the sodium ions move out of the cell, potassium ions move into the cell by sodium potassium pump. तो सोडियम बाहर चला गया वापस और पोटेशियम अंदर चला गया वापस. ये बेसिक समझना बहुत जरूरी है, इसलिए इस पर थोड़ा टाइम बिता रहे हैं हम. ओके, एंड देन देयर इज कैल्शियम एंड सोडियम पंप. सोडियम एंड कैल्शियम पंप्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, जिसके वजह से एक्सेस कैल्शियम चला गया. सो दिस इज हाउ एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड इनसाइड द कार्डियक मसल. इसके वजह से होती है आपकी मसल की एक्साइटेबिलिटी और उसके वजह से जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन होता है, दैट इज हाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट. नाउ देन स्प्रेडिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल थ्रू कार्डियक मसल, मतलब एक पर्टिकुलर मसल पे अगर कैल्शियम और पोटेशियम और सोडियम इन्फ्लक्स हो रहा है, पोटेशियम आउट हो रहा है, सो दैट बेसिकली स्प्रेड्स थ्रू आउट द कार्डियक मसल बिकॉज ऑल द कार्डियक मसल जो हैं दे आर लिंक्ड बाय गैप जंक्शंस. तो उनके अंदर गैप जंक्शंस होते हैं. तो ये गैप जंक्शंस में देयर इज व्हाट इज इट, यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो एक दूसरे में जा सकते हैं. तो अगर यहाँ पर एक पर्टिकुलर मसल में जनरेट होता है तो वो दूसरे मसल में ट्रांसमिट होता जाता है, वो स्प्रेड हो जाता है बिकॉज ऑफ द गैप जंक्शंस. ओके, सो गैप जंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपसे क्वेश्चन आएगा हाउ कार्डियक मसल एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड्स थ्रू the whole muscle tissue, the answer is through gap junctions. Okay, then we'll be talking about the second part, right? The second वाले part के बारे में भी बात करेंगे, which is the rhythmicity. What is rhythmicity and how important that is? Rhythmicity basically अपने आप ही impulse generate होती है regularly, which is called autorhythmicity, या self excitability, which is the basic property of your cardiac muscle. तो ऑटो रिदमिसिटी और सेल्फ एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेशन, ये इंपॉर्टेंट है और किसी टिश्यू में ये नहीं है, हार्ट के टिश्यू में ये होता है. दिस इज द एबिलिटी विच इट हैज एंड दिस रिदमिसिटी का ये जो नंबर्स हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर रिदमिसिटी की बात करें सो देयर इज अ बेसिक पेस मेकर इन साइड द हार्ट, जो बेसिकली जिसे हम द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट विच कैन जनरेट हार्ट बीट एंड दैट इज द SA नोड. और इस SA नोड जिसको हम को क्यों होता है पेसमेकर, बिकॉज इट हैज स्पेशल सेल्स कॉल्ड P सेल्स. इसके अंदर होते हैं P सेल्स नाम की चीजें और इन मेमेलियन हार्ट, हर एक हार्ट में आपके ये मिल जाएगा कि SA नोड इज द मेन पेसमेकर और SA नोड मतलब दिस इज अ स्मॉल एरिया जो हार्ट के अंदर होता है जहां पर कुछ स्पेशल टाइप के मसल फाइबर्स होते हैं, स्ट्रिप मॉडिफाइड कार्डियक मसल कह सकते हो उसको, जो विच इज बेसिकली प्रेजेंट इन द सुपीरियर पार्ट ऑफ लैटरल वॉल ऑफ राइट एट्रियम. ठीक है, सो राइट एट्रियम के इसके कभी कभी आती है सिचुएशन इन, ये भी इंपॉर्टेंट. तो दी सुपीरियर पार्ट, ऊपर का पार्ट राइट एट्रियम के लैटरल साइड में आपको वहां पे मिलेगा. So that is important. अब इसका जो रिदमिसिटी है means it can generate a beat of 70 to 80 beats per minute. 70 to 80 beats per minute की हिसाब से ये G beat generate कर सकता है. AV node is the other part which is also there in the heart. हमने पता है हमें AV node, SA node से AV node जाता है और वहाँ पे atrial muscle के through and then Purkinje fibers फिर ventricles में फैल जाता है. We know the whole structure, right? So उसके हिसाब से ये जो नंबर्स हैं इंपॉर्टेंट है आगे के लिए भी, बिकॉज कोई पेशेंट आपके पास आता है जिसके AV डिसोसिएशन आपको दिख रहा है, पेशेंट को आपकी ECG में गड़बड़ दिख रही है, तो हम उससे क्या उसको सिक साइनस सिंड्रोम तो नहीं है, क्या उसको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है, क्या उसको किसी और, या उसको SVT चल रहा है, या उसको किसी प्रकार की, क्योंकि हम ECG की बात करेंगे सो व्हेन वी विल टॉक अबाउट ECG उसमें भी आएगा ये सारा कॉन्सेप्ट. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस रिदमिसिटी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट. ठीक है, सो SA नोड की रिदमिसिटी है 70 to 80, AV नोड 40, AV नोड की है 40 to 60 पर मिनट. एट्रियल मसल्स ना, व्हाट इज इसका मतलब क्या है रिदमिसिटी? रिदमिसिटी का मतलब है कि कायदे से हार्ट के अंदर, इसको समझते हैं थोड़ा सा, इट इज इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, तो ये हार्ट है। और जैसे मैंने कहा लैटरल साइड में राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। एनाटॉमी में आपने स्ट्रक्चर समझा, नहीं समझा तो वो भी आगे समझा देंगे। तो यहां पर समवेयर हियर विल बी द SA नोड। नाउ द SA नोड से जो रिदम जनरेट होती है, वहां से रिदम जनरेट होके आपके AV नोड के पास आती है। AV नोड, अब ये AV नोड और SA नोड पे देयर आर टेक्निकली तीन पर्टिकुलर उस बीट्स आती हैं, और यहां पर ये कहां से आएगी, ऐसे हवा में फैल के थोड़ी आती है, इट गोज थ्रू द atrial muscle, so it goes through the atrial muscle fibers into the AV node, then going into the Purkinje fibers, then going to the bundle of His, and then going into the पूरा। तो ये Purkinje fibers हैं, ये आपके bundle of His है, तो यहाँ पर ये पूरे muscles में फैल जाते हैं। Now इसका point क्या है? If in case SA node stops, now these all tissues are auto, मतलब they have rhythmicity, meaning ये सब रिदम जनरेट करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि SA नोड ने जनरेट किया तो AV नहीं जनरेट करेगा, मसल नहीं जनरेट करेगा, वो करते रहते हैं। बट दे बेसिकली बीट, वो बीट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। मान लीजिए कि ये 5 दोस्त हैं, दीज आर 5 फ्रेंड्स, जो हाथ में हाथ धर के गाड़ी चला रहे हैं, राइट। दे आर, वो गाड़ी चला रहे हैं और 5 लोग जो हैं एक साथ हाथ पकड़ के गाड़ी चला रहे हैं। दे आर बेसिकली होल्डिंग हैंड एंड ड्राइविंग। नाउ एक की स्पीड है 70 to 80, ये बेसिक है। दूसरे की स्पीड है 40 to 60, तीसरे चौथे की स्पीड है ये बेसिकली। सो व्हाट हैपेंस, बिकॉज जिसकी स्पीड ज्यादा है वो दूसरों को भी खींच के बाहर सामने ले जाएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट वाई पेस मेकर इज, SA नोड इज द मेन पेस मेकर, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है तो वो दूसरों का हाथ पकड़ के खींच के ले जाएगा। और इस वजह से हार्ट का जो मेन हार्ट रेट आता है, पल्स रेट आता है, वो आता है 70 to 80, 72 जो हम बेसलाइन बोलते हैं। वैसे टेक्निकली जो नॉर्मली हम पल्स रेट वेरिएशन लेते हैं वो 60 to 100 ले लेते हैं, 60 to 100 प्रैक्टिकली हॉस्पिटल सेटअप्स में। मगर फॉर एग्जाम पर्पसेस के लिए आपको पूछेंगे तो 72 के आसपास मीन हार्ट रेट के वो जनरेट हो रहा है SA नोड से। और इस पर्टिकुलर चीज़ में जो खींच के ले जा रहा है वो SA नोड है। मीनिंग इस वक्त अगर हार्ट में देखे तो ये भी धड़क रहा है, ये भी ऑटोमेटिसिटी है, इसकी सबकी ऑटोमेटिसिटी और सबकी रिदमिसिटी है। लेकिन बिकॉज SA नोड जो है उसकी स्पीड ज्यादा है तो वो उस सारे हार्ट को अपनी स्पीड में अपनी धुन पे धड़का रहा है, अपनी धुन पे धड़का रहा है, धड़कू। सो दैट्स व्हाट इट इज। सो इफ एट ऑल SA नोड खराब हो गया आपका, यानी कि जो 5 लोग जा रहे थे उसमें से एक भाई साहब की गाड़ी खराब हो गई, ठीक है, उसने हाथ छोड़ दिया, वट एवर इट इज, तब क्या होगा? तब ऑब्वियसली जो सेकेंड फास्टेस्ट है उसकी स्पीड पे दौड़ेगा हार्ट। तो सेकेंड फास्टेस्ट कौन है, AV नोड है या एट्रियल मसल है? तो दैट्स वाई AV नोड या एट्रियल मसल से जनरेटेड जो बीट होगी वो उसकी स्पीड होगी ये। और कई बार हमें जंक्शनल रिदम मिलती है, means it is generated from the junction, atrial rhythm मिलती है generated from the atrium, है। So कई बार complete अगर कट ऑफ हो जाता है, so कई बार complete heart block में क्या बोलते हैं, ये AV node भी कट ऑफ हो जाता है। complete heart block में AV node भी कट ऑफ हो जाता है, मतलब उसने atrial muscle ने भी और atrial, तीनों ने हाथ छोड़ दिया, तीनों बच गए, हमें निकल गए। सो तीनों निकल गए और बचा कौन, सिर्फ ये दो। सो दीज आर 2 लेफ्ट, Purkinje fibers and ventricle muscles. So sometimes, most of the times, ventricles या Purkinje fibers जब जनरेट करती हैं तब their patient is in complete heart block and at that time the heart rate is somewhere between 30 to 40. तो 30 to 40 का heart rate आता है। Then in this case, P wave will not be there. P wave नहीं होगी। इसके बारे में आगे हम जब ECG समझेंगे तब ECG में समझाऊंगा, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऑलराइट, सो इसको एक बार समझ लोगे, व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, तो ECG समझना भी आसान हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी टेकिंग सम टाइम ऑन दिस, ओके। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड कौन सा कितने बीट्स पे धड़कता है एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर पर्पसेस। तो ये आगे और लेंगे हम, ठीक है। और इसके जो ड्यूरेशंस हैं उसको भी आगे समझेंगे, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, मगर आज का सेशन हम बहुत लंबा नहीं लेंगे, बस सेशन है हमारा सो इसको ख़त्म करेंगे थोड़ी देर में और फिर आगे नेक्स्ट सेशन में यहीं से हम शुरू करेंगे बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट सेशन में हम एसए नोड और एवी नोड, उसके रिदम प्रॉब्लम, उसके ये टाइमिंग और इनके जो रिदमिसिटी की जो टाइमिंग है, जो ड्यूरेशन है, उन सारे चीज़ों को समझाया जाएगा और उसके ये सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करा के देन ओनली वील गो इन डेप्थ ऑफ ईसीजी बिकॉज ईसीजी इज़ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप किसी भी मेडिकल फील्ड में आप जाते हैं, कोई भी फील्ड जाते हैं, ईसीजी से पाला आपका पड़ेगा ही। सो ईसीजी अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट। सो मेक श्योर दैट यू आर वेल वर्स्ड इन दिस कि एसए नोड एवी नोड का क्या कॉन्सेप्ट है एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज टू थिंग्स। ये इलेक्ट्रोलाइट्स का इन्फ्लक्स और कार्डियक मसल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स का कॉन्सेप्ट और सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट है रिदमिसिटी का। सो ये दो कॉन्सेप्ट्स हम आगे और लेके जाएंगे, राइट। आज के लिए मैं अभी इतने पे ही ख़त्म कर रहा हूँ ये बिकॉज और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें। सो वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्लास सून, सो स्टे सब्सक्राइब। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। सो थैंक यू सो मच। Please do subscribe this channel, hit the bell icon and make sure to follow for my lectures जो जल्दी आएंगे और इसी topic को आगे समझाया जाएगा। पहले cardiac heart को अच्छे से समझ लेंगे, then we'll go forwards understanding every single concept in human body। So अगर कोई ऐसे में आपको सवाल आता है, कोई भी डाउट आता है, तो उसके लिए अलग से डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हम करेंगे ऑन अनअकैडमी एप्लीकेशन। सो अनअकैडमी पे आओ और वहाँ पर भी यू कैन एक्सेस माय क्लासेस, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।